तो और भाई लोग कैसे हो? अरे जिसका इंतजार था सबको, फाइनली वो टाइम आ चुका है। देखो ये है टूल, ठीक है? तो मैंने इस टूल को डिज़ाइन कैसे किया, मेरे दिमाग में कैसे आया, पहले वो बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने मतलब देखो ये बास्केट है, इस बास्केट के ऊपर जो मतलब मैंने चारों तरफ ऊपर की साइड से मैंने अरेंज कर दिया था, ठीक है, इन ऑर्डर में ऑर्डरली अरेंज थे ताकि थोड़ा रिजल्ट थोड़े और मज़ेदार आए, ठीक है। एंड मैंने नीचे की साइड ये लगा दिया ताकि इससे हम कंट्रोल कर सकें, और नीचे की साइड जो है मैंने एक कार्डबोर्ड का रोल करके ये उसको टेप से एंड सिल करके लगा दिया ताकि वो हिले ही ना अपनी वजह से, एंड इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब सही हो जाएगा। एंड आप मानोगे नहीं, सिलने की वजह से वो अभी तक अच्छी कंडीशन में लगा था, एक शूट के बाद खत्म हो जाएगा, बट अभी है 3-4 के बाद भी, एंड होप्स जल्दी हो जाए, मतलब टिका रहे, बट क्योंकि ये घर में बास्केट का बना हुआ है तो मम्मी मारेगी, ठीक है, तो बता देना। तो आगे मैं दिखा दूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी वो चीज़ लाने के लिए, ठीक है। एंड मैंने पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग जो है 120 FPS में कर दी ताकि आपको एक लाइट का ट्रेल दिख जाए, वो भी स्लो मोशन में एकदम, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट रहने के नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर 60 FPS में करूँगा उसे तो वो लाइट में लाइट ही दिख रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अभी एक LED दिख रही है, वो आपको मज़ा आएगा।
एक और चीज़ जो मुझे तुम सबको बतानी थी कि ये जो है ना, मतलब जब आप इसको मूव कर रहे हो के, ठीक है, मतलब मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये देख लो कि जब आप इसको ऊपर से नीचे लेके जा रहे हो या साइड कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो इस बास्केट को इस पोजीशन से, देन आप उसको हल्का सा ट्विस्ट करते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। तो इस ट्विस्ट करने से क्या होगा कि एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म हो जाएगी, मतलब रिंग फॉर्म हो जाएंगी उस पिलर के अंदर या कुछ भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो सर्कुलर रिंग के अंदर अच्छा इल्यूजन बनता है। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट इसके साथ ये अच्छी बात है कि इसके अंदर हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप मतलब कोई लाइट सोर्स यूज़ करो या फिर मतलब दिवाली लाइट जैसे सपोज आप यूज़ कर रहे हो, तो जो लाइट यूज़ हो रही है उनको तो ऐसी रहने दो, बट कुछ LEDs ऐसी होंगी जो यूज़ नहीं हो रही होंगी, ठीक है, तो उन पर टेप लगा दो, मतलब ब्लैक मटेरियल से उसे कवर कर दो ताकि वो बाद में दिक्कत ना करे, वरना पूरा सीन ख़राब हो जाएगा। प्लस अगर पॉसिबल हो तो जो ऑन ऑफ का स्विच है उन LEDs का या लाइट का, वो अपने हाथ में रखो, ताकि जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना उसे ऑफ करने की, लाइक कि शेप बेकार हो रही है या मतलब आपको चेंज करनी है पोजीशन या उस लाइट सोर्स की, तो आप उसे डायरेक्टली चेंज कर सकते हो बाय जस्ट टर्निंग ऑफ द स्विच। तो ये वीडियो कैसी लगी लोग कमेंट में बता देना, ठीक है, कैसी लगी, मज़ा आया नहीं आया, ठीक है, इसको मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ ये बता देना, कुछ आइडियाज़ हों वो सजेस्ट कर देना, ठीक है, एंड इसको ट्राई ज़रूर कर लेना प्लीज़, बहुत मेहनत लगी है इस चीज़ में, ठीक है। एंड हाँ, मतलब आपको इसके मतलब इसके ऊपर कुछ और टिप्स वगैरह चाहिए, ठीक है, कुछ जानने की इच्छा कर क्योंकि लाइट पेंटिंग के ऊपर और क्या टिप्स हो सकती हैं, तो मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ था जिसके अंदर मैंने सारे टिप्स लिख रखी हैं अभी, ठीक है, जितनी मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है कुछ, ठीक है, या कहीं से कुछ पता चला या खुद कुछ एक्स्ट्रा नोटिस किया है, तो वो सारी चीज़ें मैंने उस पैक के अंदर रखी हैं, वहाँ जाओ, वो शायद 12 है, ठीक है, उन 12 के बाद तो मुझे लगता नहीं कुछ फ़र्क पड़ेगा अभी, स्टार्टिंग में तो वो बहुत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है।